तो गैस, अगर आप इस खबर से वाकिफ है कि एमसीयू के फैंस ये चाहते हैं कि हमारे चहेते सुपरमैन कैरेक्टर यानी कि हेनरी कैविल ज्वाइन करे एमसीयू को और वो प्ले करे कैप्टन ब्रिटेन का रोल, और इस कैरेक्टर का नाम जो है केविन फाइगी ने हर एक इंटरव्यू में टाइम टू टाइम लिया है, और उन्होंने ये कहा है कि कैप्टन ब्रिटेन का कैरेक्टर हमारे जो है फेज 4 की डेवलपमेंट में है और हमें कैप्टन ब्रिटेन का कैरेक्टर जो है बहुत ही जल्द एमसीयू में देखने को मिलेगा। और मार्वल के एक इनसाइड एम्प्लॉई ने कहा है कि एक डायरेक्टर को जो है हायर किया गया है कैप्टन ब्रिटेन और ब्लैक नाइट के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और रिसेंटली जो है तैयारी की जा रही है एक्टर्स के ऑडिशन के लिए कि कौन सा जो है कैप्टन ब्रिटेन या फिर ब्लैक नाइट के रोल के लिए परफेक्ट चॉइस रहेगी और इसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और क्या हेनरी कैविल इसका रोल प्ले करेंगे और क्या ये एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर के लिए, इस वीडियो में हम ये बात तो करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैप्टन ब्रिटेन है कौन। कैप्टन ब्रिटेन का असली नाम है बैन बेडॉक, जो कि बिलोंग करते हैं ग्रेट ब्रिटेन से, और इसके अलावा ये एक ग्रेजुएट फिजिक्स स्टूडेंट और एक एक्सपर्ट इंजीनियर भी हैं। और अगर हम बात करें कि ये कैप्टन ब्रिटेन बने कैसे, तो कहा जाता है कि जब ब्रायन ब्रेडॉक जब मरने की कगार पे थे तो उसे मिले थे मर्लिन और उसकी डॉटर रोमा, जिन्होंने ऑफर किया था ब्रेडॉक को जिंदा रहने के लिए दो चीजें। सबसे पहला एम्यूलेट ऑफ राइट यानी कि नेकलेस ऑफ लाइफ, या फिर स्वॉर्ड ऑफ माइट यानी कि स्वॉर्ड ऑफ डेथ, जिसमें से ब्रायन ब्रेडॉक ने चुना एम्यूलेट ऑफ राइट को और वो बन गए यहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मर्लिन ने यहाँ पे जो है एक कॉस्ट्यूम भी दी यहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन को यानी कि हमारे ब्रायन ब्रेडॉक को, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को उस कॉस्ट्यूम की मदद से जो है मैनिपुलेट कर सकते थे। और यही नहीं, बाद में मर्लिन ने जो है स्टार सेप्टर भी जो है दिया था यहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन को, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही साउंड की स्पीड से भी तेज जो है फ्लाई कर सकते थे। और अगर यहाँ पे बात करें कैप्टन ब्रिटेन की पहली फाइट की, तो वो हुई थी रिवर के साथ, जिन्होंने क्लेम किया था स्वॉर्ड ऑफ डेथ को और वो एक बहुत ही पावरफुल नाइट में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। लेकिन अपनी पहली ही बैटल में जो है ब्रायन ब्रेडॉक यानी कि कैप्टन ब्रिटेन ने उन्हें हरा दिया। अगर यहाँ पे बात करें कि अपनी लाइफ में, अपनी कॉमिक लाइफ में किन किन लोगों के साथ यहाँ पे किन किन एवेंजर्स के साथ यहाँ पे टीम अप कर चुके हैं हमारे ब्रायन ब्रेडॉक, तो यहाँ पे सबसे पहला टीम अप है स्टीव रॉजर्स के साथ अगेंस्ट द रेड स्कल, जहाँ पे उन्होंने जो है हैंड टू हैंड फाइट की थी रेड स्कल के साथ। और यही नहीं, उन्होंने काफी खतरनाक विलेन जैसे विक्सन को, मास्टरमाइंड कंप्यूटर ल्यूकर और इसके अलावा ब्लैक बैरन को भी फेस किया है। कैप्टन ब्रिटेन ने इसके अलावा सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल किया था, जहाँ पे उन्होंने स्क्रल्स के अगेंस्ट एवेंजर्स के साथ मिलकर जो है एक धाकड़ फाइट दी थी। और यही नहीं बल्कि उन्होंने एवेंजर्स को ज्वाइन किया था एज अ रिजर्व मेंबर पहले, लेकिन बाद में उन्हें सीक्रेट एवेंजर्स टीम का एक ऑफिशियल और परमानेंट मेंबर बना दिया गया। और सीक्रेट एम्पायर जैसी इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन में जब स्टीव रॉजर्स स्लीपर सेल के हेड बन जाते हैं और हाइड्रा बेस के कमांडर बन जाते हैं, और उन्होंने जब ब्रिटेन में एस्टैब्लिश कर लिया होता है अपना एक हाइड्रा बेस, तो वहां पे उस हाइड्रा बेस को एलिमिनेट करने में और यहां पे स्टीव रॉजर्स को भी हराने में जो है कैप्टन ब्रिटेन का एक बहुत ही बड़ा रोल था। और अगर बात करें कैप्टन ब्रिटेन के पावर एंड एबिलिटीज के बारे में, तो कैप्टन ब्रिटेन की पावर का सोर्स है इंटर डायमेंशनल एनर्जी, जो कि मेनली कंसंट्रेटेड होती है ब्रिटेन के एरियाज में, यानी कि जो पावर यूज कर सकते हैं कैप्टन ब्रिटेन वो ब्रिटेन के एरिया में ही रहकर जो है यूज कर सकते हैं। और अगर वो जो है अपनी कंट्री से यानी कि ब्रिटेन से दूर चले जाते हैं तो यहाँ पे जो वो इन पावर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन एक ही तरीके से अपनी इन सारी पावर्स को जो है अपनी कंट्री से दूर रहकर यूज कर सकते हैं, और वो है उनकी कॉस्ट्यूम, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम जो है उनके लिए एक एंटीना का काम करता है, जहां से वो जो है इन सारी इंटर डायमेंशनल एनर्जीज को यूज कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे थॉर की पावर उसके एसगार्ड के लोगों से है, वैसे ही जो है कैप्टन ब्रिटेन की पावर उसके ब्रिटेन एरिया से है। लेकिन रिसेंट इकोनॉमिक इश्यूज के हिसाब से अब कैप्टन ब्रिटेन को ही नहीं अपनी कॉस्ट्यूम की जरूरत है अपनी पावर्स को यूज करने के लिए, और न ही अपने एरिया ब्रिटेन में रहने की जरूरत है, बल्कि अब उनकी पावर जो है बेसिकली डिपेंडेंट है उनके कॉन्फिडेंस पे। जितना वो कॉन्फिडेंट होंगे उतनी पावर्स उनकी बढ़ती जाएंगी और उतनी अच्छी तरीके से वो अपनी सारी पावर्स को यूज कर सकते हैं। और कैप्टन ब्रिटेन की सबसे खास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज में से एक एबिलिटी है उनकी इनविजिबल फोर्स फील्ड, जो कि इनके अराउंड हमेशा रहता है, और इसकी वजह से ये किसी भी फोर्सफुल ब्लास्ट को जो है सर्वाइव कर सकते हैं। और यही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक्स और एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर्स को भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्ट अगर इन पे कॉन्स्टेंटली जो है फेंके जाए तो इनकी ये फोर्स फील्ड जो है वीक हो सकती है। जैसे कि अगर पावर स्टोन से इनकी फोर्स फील्ड के ऊपर अगर अटैक किया जाए तो ये वीक हो सकती है। इसी तरह थॉर की एक्सेसिव लाइटनिंग अगर जो है इनके फोर्स फील्ड पे पड़ जाएगी तो इससे भी ये वीकर हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनकी पावर्स अपने कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, और जितना इनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता जाएगा और जितना इनका कंट्रोल अपनी पावर्स के ऊपर आता जाएगा, उतनी ही ये शील्ड भी स्ट्रांग होगी और इम्पेनिट्रेबल होगी। और यही नहीं, ये अपनी इंटर डायमेंशनल एनर्जीज को चैनल करके और उन्हें मैनिपुलेट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन सिक्स्थ सेंस जो है क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये काफी दूर के डिस्टेंसेस तक देख भी सकते हैं, और यही नहीं बल्कि काफी दूर के खतरों को भी जो है सेंस कर सकते हैं। और इन्हीं पावर्स को मैनिपुलेट करके ना सिर्फ ये साउंड की स्पीड को सरपास कर सकते हैं और साउंड की
स्पीड से भी तेज 770 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, बल्कि ये जो है इन पावर्स को मैनिपुलेट करके 90 टन तक का वेट जो है लिफ्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्रेजुएट इंजीनियर स्टूडेंट थे, तो इनका आईक्यू लेवल भी काफी ज्यादा हाई है और एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी है। और इनकी काफी सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज लाइक सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एजिलिटी और इनके रिफ्लेक्सेस जो है काफी ज्यादा हद तक कैप्टन अमेरिका से मिलते जुलते हैं। और हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर ये हमें कैप्टन अमेरिका की जगह लीड रोल मार्वल के फेज 4 में या फिर आने वाली मूवीज में करते नजर आए कैप्टन मार्वल के साइड बाय साइड, क्योंकि एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर के लिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे हेनरी कैविल को कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे एज कैप्टन ब्रिटेन एमसीयू में। तो जी हाँ, इसके होने के चांसेस पूरे 50-50% है कि एमसीयू शायद हेनरी कैविल को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि जो कैप्टन ब्रिटेन या फिर कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर है उनमें एक ही चीज सिमिलर है, वो है लीडरशिप की क्वालिटी। और अगर बात करें डीसी के सुपरमैन की, तो उसमें भी यही क्वालिटी है कि वो एक लीडर के तौर पर, एक मोर ह्यूमन कैरेक्टर के तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और यही इन तीनों कैरेक्टर में एक सिमिलैरिटी है, और इसी की वजह से यहाँ पे 50% चांस बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हेनरी कैविल को शायद इस रोल के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे फैंस चाहते हैं कि DCEU को छोड़ के अगर जाते भी हैं हेनरी कैविल एज सुपरमैन, तो यहाँ पे सारे फैंस यही चाहते हैं कि वो सीधा MCU उन्हें अप्रोच करे कैप्टन ब्रिटेन के रोल के लिए। लेकिन अगर DCEU में उनका रोल जो है सुपरमैन के तौर पर बरकरार रहता है और यहाँ पे मार्वल भी उन्हें अप्रोच करता है कैप्टन ब्रिटेन के रोल के लिए, तो ये हम सब सुपरमैन फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी सोने पे सुहागा वाली बात होगी। लेकिन यार ऐसे भी तगड़े रूमर्स आ रहे हैं इस वक्त कि WB कंसिडर कर सकता है यहाँ पे एरिक किलमोंगर यानी कि माइकल बी जॉर्डन को एज ए सुपरमैन। लेकिन जो भी हो, हेनरी कैविल ने चाहे वो मिशन इम्पॉसिबल 6 हो या फिर जो है जस्टिस लीग हो, उनमें अपना 100% दिया था और वो एक डिजर्व अच्छा सा रोल करते हैं DCEU में, जो कि उनको DCEU दे ही नहीं रहा है। और इसमें जो है सबसे बड़ी गलती जो है वहां के डायरेक्टर्स की है, सिनेमेटोग्राफर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स की भी है, क्योंकि शेज़म में से भी उनका रोल कहीं ना कहीं यहां पे काट दिया गया था। और वहीं हम ये भी जानते हैं कि मार्वल को असली टैलेंट की, एक्टिंग के टैलेंट की काफी ज्यादा कदर है, तो वो इस मौके को अपने हाथ से कभी भी नहीं जाने देगा। और हेनरी कैविल जो कि इतने बढ़िया एक्टर है, उन्हें कोई ना कोई रोल जरूर ऑफर करेगा MCU में फ्यूचर मूवीज में। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या जो है MCU को कैप्टन ब्रिटेन के रोल के लिए हेनरी कैविल को अप्रोच करना चाहिए या फिर नहीं? मुझे यस या नो में कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।